किसी पक्षी की चोंच उड़ जाए तो वो भूखा मर जाएगा क्योंकि बिना चोंच के वो खा नहीं सकता है। लेकिन एक ईगल ऐसा बर्ड है जो जानबूझ के अपने चोंच को तोड़ लेता है। लेकिन ईगल ये जानते हुए कि अपने चोंच के भूखा मर सकता है तो फिर भी वो क्यों तोड़ देता है? पहले नहीं बता, तो पहले से पहले चीर फाड़ सकता है, लेकिन जब एक ईगल की बात तो उसके पंख भारी सूख जाते और चोंच की शार्पनेस कम हो जाती है, इसलिए ना ही तो उड़ पाता है ना ही मरने की नौबत आ जाती है, और तब उसके बाद ऊँच चला जाता है, तब चोंच को तोड़ देता है। 3 से 4 महीने भूखे रहने पर और फिर उस नए चोंच पर रहने पुराने उखाड़ कर फेंक देता है। फिर 2 से 3 महीने इस प्रोसेस में, 6 से 7 महीने की इस प्रोसेस में ईगल आसमान से फिर से राज करने का तैयार हो जाता है। वैसे आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना।